दोस्तों, कई बार हम बिना किसी कारण छोटी छोटी बातों पर बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। किसी के कहे हुए शब्द हमारे मन में बार बार घूमते रहते हैं और हमें चिंता में डाल देते हैं। इस प्रकार की निरंतर सोच का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम इन अनचाहो विचारों पर नियंत्रण करना सीखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको गौतम बुद्ध की चार महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन आदतों को अपनाकर आप अपने मानसिक तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। ये आदतें न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा देगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप भी इससे सहमत है तो कमेंट में नव विद्या जरूर लिखें। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन एक ज्ञानी संत शांतिपूर्ण अवस्था में जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक युवक जो एक संपन्न परिवार से था, संत के पास आया। वह बहुत चिंतित लग रहा था और संत से बोला, महात्मा, आप हमेशा ध्यान और मानसिक शांति की बातें करते हैं, लेकिन मैं कुछ समय के लिए भी अपनी आंखें बंद कर शांत नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता है। हर समय किसी न किसी बात में मेरा मन उलझा रहता है। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन में अनगिनत विचार आने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने अतीत की घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य की चिंताओं के बारे में न जाने अनेकों विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन और अधिक विचलित हो जाता है, जिससे मुझे ध्यान छोड़ना पड़ता है। युवक की बातें सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, सोचो, यह तुम्हारा मन ही है, लेकिन यह तुम्हारे नियंत्रण नहीं है। आंखें बंद करके बैठने तक नहीं देता। तुम्हारा मन कितना आज़ाद हो चुका है, संत मुस्कुराते हुए बोले। युवक ने गहरी सांसें ली और कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। संत ने युवक की ओर ध्यान से देखा और फिर से कहा, मैं तुम्हें अपने गुरु गौतम बुद्ध की चार आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अपनाकर तुम इस बेचैनी से बाहर निकल सकते हो और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। ये चार आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर इन्हें अपना लेते हो तो मन कभी बेचैन नहीं होगा, उदास नहीं रहेगा और व्यर्थ को काम में उलझा नहीं रहेगा। युवक ने संतों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। संत ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश बंद कर दो। अक्सर तुम और तुम्हारे जैसे लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यही आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज़्यादातर लोग दूसरे के विचारों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जैसे कि वे हमारी तरक्की से जलते हैं या हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। यह नकारात्मक हमें बेचैन और असंतुष्टि करती है। इसलिए दूसरों के बारे में अनुमान लगाना छोड़ दो। यदि तुम्हें कुछ समझना है तो खुद के विचारों को देखो। ध्यान दो कि कहीं तुम शिकायत या बुराई करने जैसे नकारात्मक सोच में तुम नहीं फंस रहे हो। संत ने आगे कहा, दूसरी आदत यह है कि बेवजह समय बर्बाद करना छोड़ दो। कई लोग सोचते हैं कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन सच में समय उन्हें काट रहा होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत अधिक समय है, पर वास्तव में समय सीमित है। हम में से पहले वाले लोग भी यही सोचते थे कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन एक दिन बुलावा आ गया और वे अपनी गलती का एहसास भी नहीं कर पाए। जब तक सच को समझे, समय उनके हाथ से निकल जा चुका था, तब सिर्फ पछतावा रह गया था। जीवन व्यर्थ के काम बर्बाद कर दिया। इस दुनिया से विदा लेते समय न वे खुद को समझ पाए और न ही जीवन की सच्चाई को। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। खुद को जानने में, दूसरों की सहायता करने में और लोगों को सही मार्ग दिखाने में, मानवता की भलाई में लगाए गए समय का कोई मूल्य नहीं, बल्कि यह तुम्हें सच्ची खुशी देता है। दूसरी बात, समय व्यर्थ करने से किसी को आज तक संतोष नहीं मिला है। हो सकता है क्षण भर के लिए आनंद का अनुभव हो, लेकिन जब असलियत समझ में आती है और महसूस होता है कि कितना समय बर्बाद हो चुका है, तब पछतावा जन्म लेता है। यही पछतावा मन में तनाव और बेचैनी पैदा करता है,
जो तुम्हें बार बार उसी गलती पर सोचने को मजबूर करता है। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए समय का सही उपयोग करो और वह करो जो वास्तव में आवश्यक है। संत ने तीसरी आदत के बारे में समझाते हुए कहा, हम अक्सर यह सोचकर अपने कदम रोक लेते हैं कि अगर असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। जो हंसना चाहता उसे हंसने दो, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हें प्रशंसा करेंगे और तुम पर गर्व करेंगे। यदि सफल होने पर तुम्हें उनके सराहना की उम्मीद है तो असफलता पर उनके हंसने से दुखी क्यों होना। इंसान असफलता को बुरा मानता है, लेकिन असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना सिखाती है। असफलता में एक सीख है जो सफलता में नहीं मिलती। यदि तुम्हारे कार्य में असफलता का कोई जोखिम नहीं है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य छोटा है। वही लोग असफलता का सामना करते हैं जो कुछ नया करने का साहस करते हैं। अंत में संत ने चौथी आदत समझाते हुए कहा, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। हर नया प्रयास कुछ अलग मांगता है, और अगर तुम में असफलता का साहस नहीं है तो बड़े लक्ष्य कभी हासिल न कर पाओगे। इसलिए असफलता और लोगों के हंसने के डर से खुद को मत रोको, बल्कि आगे बढ़ो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। असल में खुद की तुलना किसी और से करना ही व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और सोच अलग अलग होती है। अगर दूसरे असफल रहे हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि तुम भी असफल होगे। अक्सर वही लोग इतिहास रहते हैं जिनसे किसी की उम्मीद नहीं होती। हो सकता है जिससे तुम बड़ा मान रहे थे, जिससे तुम बहुत मेहनत करने का दावा किया था, उसने कभी उस स्तर की मेहनत की ही ना हो। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितना वास्तव में आवश्यक है, और केवल ये दिखावा करते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यह वही लोग होते हैं जो दूसरे से कहते हैं, मैं सफल नहीं हुआ तो तुम कैसे हो सकते हो, लेकिन अपने भीतर जानते हैं कि उनकी कोशिश अधूरी थी। वे केवल अपने असफलता को किस्मत पर मढ़ते हैं और दूसरों को हतोत्साहित करते हैं ताकि किसी और का प्रयास उन्हें पीछे न छोड़ दे। इसलिए दूसरों की असफलता देखकर यह मत सोचो कि तुम भी असफल होगे। तुम्हारा फोकस केवल अपने श्रेष्ठतम प्रयास पर होना चाहिए और बाकी का काम समय पर छोड़ दो। संत ने कहा, अगर तुमने यह चार आदतें छोड़ दी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना ध्यान केंद्रित कर सकोगे। इतना कहने के बाद संत चुप हो गए। युवक ने उन चार आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और संत को धन्यवाद होते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वे हमारे कार्यों पर हंसेंगे। अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद करने के बजाय हमें अपना ध्यान और मेहनत अपने लक्ष्यों पर लगानी चाहिए। किसी और की असफलता को अपनी हतोत्साहना का कारण न बनने दो। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है।